एक बात बार बार कही जाती है, बीजेपी के पास चेहरे के तौर पर मोदी हैं, तो विपक्ष के पास क्या? विपक्ष की ओर चेहरे के सवाल पर अब तक किसी ने नहीं दिया जवाब, लेकिन अब अखिलेश ने जो जवाब दिया बीजेपी की राजनीति को लगेगा झटका। अखिलेश ने चेहरे पर बीजेपी की राजनीति को किया क्रैक, विपक्ष अब सियासत के ट्रैक पर रफ्तार के साथ दौड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद और मशहूर क्रिकेटर गौतम गंभीर ने एक सवाल किया था, भारत एक व्यक्ति विशेष को नायक बनाने का विरोध किया था। कहा था भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2 बार जीता, तो क्या उसमें सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का ही हाथ था या फिर टीम ने अहम भूमिका निभाई थी? उस जीत में क्या एक के बदले कई नायक नहीं थे? गौतम गंभीर की कही यही बात राजनीति की पिच पर आई, नेताओं ने इसे लपका और बीजेपी को सियासत के ट्रैक पर बोल्ड करने का प्रयास किया। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कुछ इसी तरह का सवाल उठाया, विपक्ष से हर बार एक सवाल किया गया, 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकेंगे, तो आपके पास चेहरा कौन है जो मोदी के सामने टिकेगा? किसी ने राहुल का नाम लिया, किसी ने नीतीश को आगे बढ़ाया, किसी ने ममता की राजनीति पर विश्वास जताया। कुल मिलाकर विपक्ष की ओर चेहरे के सवाल पर अब तक किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसका जो जवाब दिया वो बीजेपी की राजनीति के लिए झटके जैसा हो सकता है। अखिलेश ने चेहरे पर बीजेपी की राजनीति को क्रैक किया, विपक्ष अब सियासत के ट्रैक पर रफ्तार के साथ दौड़ेगा। फिरोजाबाद में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से एक सवाल किया गया, विपक्ष के पास चेहरा कौन है? तो अखिलेश ने जवाब कुछ इस तरह से दिया, हमारे पास बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं, लेकिन बीजेपी के पास एक ही चेहरा है। प्रधानमंत्री चेहरे को बाद में भी तय किया जा सकता है, पहले बीजेपी को हराना जरूरी है, उसके बाद प्रधानमंत्री का चेहरा तय कर लिया जाएगा। इसके बाद अखिलेश यादव ने यूपी के सभी विपक्षी पार्टियों से अपील की कि जो भी बीजेपी को हराना चाहता है वो समाजवादी पार्टी के साथ आए, बड़ा दिल दिखाएं। सपा ने उनका पहले भी सम्मान किया, आगे भी सम्मान करेंगे। कांग्रेस और मायावती के साथ आने पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी बीजेपी को हराना चाहता है, जो भी दल समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहता है, समाजवादी पार्टी ने पहले भी उनका सम्मान किया, आगे भी सम्मान करेंगे। 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि सभी दल वहां बैठेंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। चुनाव लड़ने के बारे में कोई भी फॉर्मूला या ड्राफ्ट अभी उनके सामने नहीं आया है, केवल मीडिया में चर्चा हो रही है। बैठक में जो भी चर्चा होगी, जो भी फॉर्मूले पर बात होगी, उस पर चर्चा करेंगे और जरूर कोई ना कोई रास्ता आगे बढ़ने का निकालेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद 2024 को लेकर कांग्रेस के मजबूत दावेदारी पर अखिलेश यादव ने अपना पक्ष रखा। पिछली बार भी बहुत से ऐसी पार्टियां थी जिनकी राज्यों में अच्छी परफॉर्मेंस थी लेकिन लोकसभा में ठीक नहीं थी, इसलिए राज्यों में जीत से लोकसभा चुनाव को नहीं देखा जा सकता। अखिलेश को विश्वास है 2024 में बीजेपी यूपी से साफ हो जाएगी, क्योंकि चरम सीमा पर महंगाई, बेरोजगारी और लापरवाही सरकार की बहुत ज्यादा है। जो भी व्यवस्था बनी हुई थी उसको भी खराब कर दिया, 100 नंबर गाड़ी वो भी खराब कर दी, गांव में रहने वालों को सुविधा मिली थी वो भी खराब कर बंद कर दी, अस्पतालों में इलाज और दवाई नहीं है और डॉक्टर पर्याप्त नहीं है। 2024 के चुनाव में एनडीए को उनका पीडीए फॉर्मूला यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का गठबंधन बीजेपी को चुनाव हरा देगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।